चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कोविड 19 संकट के दौरान आज कई सारे सवाल जनता के सामने आकर खड़े हो गए हैं। एक बड़ा सवाल जिसे अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं वो है हमारे मुल्क की स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात। हमारे देश में कितने लोग हैं जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं? क्या आज भी किसी गंभीर बीमारी का इलाज पाने के लिए कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई खर्च हो जाती है? क्या आज भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं इस देश के अमीरों की जागीर है जो सिर्फ निजी अस्पतालों में मिलती है? और आखिर में अगर हमारे देश में सार्वजनिक या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती तो क्या हम कोविड 19 के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ पाते? आज हमारे देश के 70% लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतों के लिए निजी क्षेत्र की ओर देखते हैं। उस देश में जहां एक बड़े तबके को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, वहीं लोगों के इलाज के लिए कई बार निजी अस्पतालों में लाखों रुपए का इंतजाम करना पड़ता है, वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में सरकारी अस्पतालों के हाल बेहाल हैं। कोविड 19 के समय तो हाल कुछ ऐसे थे कि कुछ सरकारी अस्पतालों में लाशें और मरीज एक ही वार्ड में पाए गए। दूसरी तरफ कोविड जैसी महामारी के दौरान भी निजी अस्पतालों पे कोई रोक टोक नहीं थी। कई निजी अस्पतालों में कुछ लोगों के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। HAQ या हेल्थ एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स में भारत 195 देशों में से 154 स्थान पर है। HAQ के तहत देखा जाता है कि 32 ऐसी बीमारियों में कितने लोग एक देश में मर रहे हैं जिनसे आमतौर पर लोगों की मौतें नहीं होनी चाहिए अगर उन देशों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पड़ोसी श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश तक HAQ में हमसे आगे हैं। भारत में एक नवजात के जीने की संभावना अफगानिस्तान और सोमालिया जैसे पिछड़े देशों से भी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 2014 और 15 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की 76% से ज्यादा कमी है। WHO के तहत हर 1,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में 11,000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। इस मामले में भारत पाकिस्तान से भी पीछे है। क्या अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देश के हर इंसान का अधिकार नहीं होना चाहिए? भारत सरकार GDP का सिर्फ 1% से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्चती है। इसका मतलब देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार दिन के केवल 3 रुपए खर्च रही है। ये एक ऐसे देश में जहां दस्त या निमोनिया जैसी बीमारियों से हर 2 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के अनुसार GDP का केवल 3% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्चने से देश के गरीब से गरीब इंसान के पास स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकती हैं, लेकिन भारत WHO के अनुसार स्वास्थ्य सेवा पर GDP प्रतिशत खर्च के मामले में 191 में 184 स्थान पर है। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी, जो भारत से काफी गरीब मुल्क हैं, वहां पर भी लोगों को सरकार की तरफ से भारत से काफी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। पर पिछले कुछ दशकों में भारत की अलग अलग सरकारों ने लगातार सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं और कमजोर करने की नीतियां अपनाई हैं और साथ में स्वास्थ्य विभाग को धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपने का काम किया है। 1971 और 2010 के बीच निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या 15 गुना बढ़कर लगभग 40,000 से 6,30,000 से ज्यादा हो गई है। आज बड़े पूंजीपति भी निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में आ गए हैं और उन पर कानूनी रूप से बहुत कम रोक टोक है, जिसके चलते आज स्वास्थ्य सुविधाओं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे समय पर भी सरकारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की जगह प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े पूंजीपतियों के निजी अस्पतालों के उद्घाटन में जा रहे हैं। कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। अनेक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। खैर, स्वास्थ्य के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग की एक नई योजना आई है।
मेडिकल कॉलेज खोलने और चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपीपी में प्रवेश करने की नीति आयोग की योजना है। इन निजी संस्थाओं के पास नियम और शर्तों के अनुसार न्यूनतम 60 वर्षों के लिए जिला अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस और अधिकार होगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस योजना के तहत मेडिकल की पढ़ाई और साथ में सरकारी जिला अस्पतालों में भी न जाने कितने गुना स्वास्थ्य सुविधाओं का दाम बढ़ जाएगा। आज सरकार का दावा है कि आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत स्वास्थ्य की कमियों को पूरा किया जा सकता है और ये सुविधाएं हर घर तक पहुंच सकती हैं। लेकिन आयुष्मान भारत का खर्चा अभी भी स्वास्थ्य के जीडीपी के तुच्छ 1% खर्चे से निकाला जा रहा है, जिसका मतलब अब सरकार सार्वजनिक या सरकारी अस्पतालों पर और भी कम खर्चा करेगी। सरकार इस स्कीम के जरिए लगभग यही घोषणा कर रही है कि स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारियां अब निजी हाथों में सौंपी जाएगी। जहां निजी क्षेत्र पर बहुत कम कानूनी रोक टोक है, अब खतरा है कि इस स्कीम के चलते निजी स्वास्थ्य का इलाज का खर्चा अब बढ़ता जाएगा। अगर ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार होने तक ये एक अंतरिम योजना होती तब प्रभावी होती। जिस देश के लोग स्वस्थ और शिक्षित नहीं है वो देश कभी भी सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता, और सरकार का इन्हीं चीजों पर सबसे कम खर्चा है। भारत से कुछ बहुत ही कम विकासशील देश जैसे क्यूबा, श्रीलंका या थाईलैंड अपने नागरिकों को भारत से बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। कोरोना संकट से लड़ने के लिए शुरू में कई देशों में चूक हुई, लेकिन उन सारे मुल्कों ने इस महामारी पर काबू पा लिया जिनके यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर थी। साथ में कई देशों ने निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर कड़े नियम कसे ताकि वो इस दौर में लोगों को लूट ना सके। लेकिन भारत में आज भी निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई रोक टोक नहीं है। देश के भीतर भी देखें तो जिन राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों पर ज्यादा खर्चा है उन राज्यों की कोरोना के खिलाफ एक ज्यादा सफल लड़ाई रही है। सरकार और उसकी मीडिया हमें हमेशा कभी सुशांत सिंह राजपूत और कभी हिंदू मुस्लिम का शोर पैदा करके इन मुद्दों को मार देती है। फैसला हमारे हाथ में है, क्या हम इनके झूठे एजेंडा में बह जाएंगे या देश की तरक्की के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों पर साथ आएंगे। अच्छा स्वास्थ्य हर इंसान का अधिकार है।